हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो आज हमारे साथ फिर से एक कैंडिडेट है जो 2023 D2D कैंडिडेट रहे हैं। उन्होंने एडमिशन लिया है, कितना रैंक आया है उनका, उस प्रॉपर हम लोग जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। फिर वो बताएंगे अपने बारे में कि वो कैसे, किस कॉलेज से, किस रैंक पर प्रिपरेशन किए, कैसे प्रिपरेशन किए, इवन वो आने वाले जूनियर्स, फिर अपना एम, फिर किस कॉलेज में गए, फिर उस कॉलेज में कैसी पढ़ाई हो रही है। तो मतलब एक प्रॉपर कॉलेज रिव्यू प्लस उनके प्रिपरेशन, D2D की कैसे प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ हम लोग एक ही वीडियो में जानेंगे। और होप सो 10 से 15 मिनट में हम लोग कवर कर ले। तो हम लोग ज़्यादा देर इसमें वेस्ट नहीं करेंगे कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ, ये वो तो हम अपने सारे वीडियोज में बताते ही हैं। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली कैंडिडेट के पास। सो हाय हाय हुसैन, प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दें कम्प्लीटली। आप बताएं कि आपने किस कॉलेज से पढ़ाई किया, डिप्लोमा फिर आपकी कैसे रही, फिर आपने क्या D2D एग्जाम दिया, फिर कैसे उसमें आपका रैंक आया, फिर आप अभी किस कॉलेज में हो। सो ओवर टू यू। दिस इज सैयद मोहम्मद तारिक हुसैन फ्रॉम बीआईटी सिंधरी, करंटली परस्यूइंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आई हैव सिक्योर्ड CML रैंक ऑफ 49 इन D2D एग्जाम 2023। आई हैव कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदितपुर जमशेदपुर। ओके बढ़िया यार, मतलब तुम जीपी आदित्यपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थे अगर मैं सही हूँ तो। यस सर, तो इलेक्ट्रिकल तुमने, इंजीनियरिंग। हाँ तो जब यस तुम सर। जीपी आदित्यपुर लियोगे तब भी तुम पॉलिटेक्निक में भी तुम्हारा अच्छा रैंक आया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जीपी आदित्यपुर के यस लिए सर उस वक्त यस भी सर लड़ाई होता था। तुम्हारे पॉलिटेक्निक में कितना रैंक आया था जब तुम एडमिशन लिए थे तब? यस सर, उस वक्त तो मेरा रैंक CML 13 था सर। 13 13। यस नाइस सर, वन यार, थ्री मतलब तुम पहले से ही ब्राइट स्टूडेंट रहे हो यार। मतलब लोगों को बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा इसी बार में कि पॉलिटेक्निक का एग्जाम, फिर उसका D2D में तुम्हारा 49th CML रैंक, एंड राइट नाउ यू आर परसुइंग लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम BIT सिंधी, एंड द बैच यस इज सर, 23 एंड 26, राइट? ट्वेंटी थ्री सो टू 26। यस सर, हाँ, तो सबसे पहले मेरा एकदम कॉमन सवाल आज के टाइम में जो सबसे पहले रहता है कैंडिडेट जो भी D2D का भी काउंसलिंग कर रहे होंगे, ठीक है, होप सो जब ये वीडियो आएगी तो ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग ओवर हो चुकी होगी। आई नो हम लोग लेट हैं और हम लोग 1 साल बाद फिर से ये इंटरव्यू का शेड्यूल किए, क्योंकि 2021 की इंटरव्यू वीडियो पड़ी हुई है, उसके बाद से 22 से हम लोग गायब थे। सो आई एम हैविंग सम माई इशूज ऑल्सो, लाइक हम भी एग्जामिनेशन में बिजी थे अपने। तो सबसे पहले आज के टाइम में जो D2D के कैंडिडेट्स होते हैं जो भी किसी भी ब्रांच से आते हैं, तो उनको सबसे बड़ा होता है कि वो लोग ब्रांच चेंज की ओर देखते हैं, क्योंकि दे हैव मेनी ऑप्शंस। लाइक इफ दे आर कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड तो दे हैव ऑप्शंस टू चेंज टू एनी बैकग्राउंड, लाइक फ्रॉम दे वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर CSE तो वो उसमें भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल तो उनके लिए इक्विवेलेंट ब्रांचेस हैं। तो तुमने क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि तुम भी जब आ रहे थे 23 में तो ऑब्वियसली बात है कि तुम्हें भी दिखा होगा सारे ब्रांचेस, और तुम्हारे 49th CML रैंक में तो आई होप कुछ एकाध ब्रांचेस जैसे CSE और IT छोड़ के मे भी तुम्हें BIT के सारे ब्रांचेस अवेलेबल मिल रहे होंगे लैटरल एंट्री में। तो तुमने क्यों नहीं सोचा कि तुम चेंज करोगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं AICTE के गाइडलाइंस के बाद 2020 के बाद से ब्रांचेस चेंज करने का ऑप्शन हम लोग को मिला है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया सर क्योंकि मेरे को सर्किट ब्रांचेस ही में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, और कोडिंग में मैंने थोड़ा मोड़ा कोशिश किया था लेकिन उतना मेरा इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा था सर, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही जो पार्ट है एनालॉग वगैरह वो सब ज़्यादा मुझे सूट कर रहा था, और जैसा कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर ही है VLSI वगैरह का, एम्बेडेड सिस्टम का, तो उसमें मुझे अपना करियर बनाना है इसलिए। ओके, तो तुम कैसे देखते हो कि जो ब्रांचेस चेंज कर रहे हैं तो वो तुम अच्छा समझते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से? हम लोग तो किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहते हैं कि वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हें यस कैसा सर, लगता है, तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन क्या है? मेरा सर पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपने जो डिप्लोमा में ब्रांचेस लिया है तो कोशिश करें कि उसी को कंटिन्यू ही करा जाए, अगर आपका उसमें एकदम ही इंटरेस्ट नहीं बना, 3 साल आपने पढ़ा एकदम ही नहीं बना, तो शायद आप दूसरे ब्रांचेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। राइट आंसर, क्योंकि आपने जो ब्रांच लिया तो मे बी यस आपके लिए सहूलियत होगा ना वो चीज को खत्म करने में यस आगे और 3 साल, क्योंकि मैंने लगातार चॉइस फिलिंग के वीडियो और जो भी वीडियोस उसमें मैंने क्लियरली बोला है कि अगर आप ब्रांच चेंज करते हो तो आपको सबसे पहले कष्ट होगा पढ़ने में, क्योंकि आपका पूरा 3 साल कोई और बैकग्राउंड और फिर आप 3 साल अलग ही बैकग्राउंड में शिफ्ट कर रहे हो। मैं ये भी समझाता हूँ कि आप इक्विवेलेंट ब्रांचेस जा सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिकल से तो तुम थे तो तुम जी, EEE ले सकते थे, EC तुम ले सकते थे जो तुमने लिया, इसी ले फिर सकते थे। हाँ और EE में गए जिसमें तुम्हारा कोर यस ब्रांच था, तो तुम किसी में भी जा सकते थे तो वो सही है। बट अगर जी तुम चले जी जाते मैकेनिकल में ही या फिर सिविल में या CSE में तो पूरा का पूरा जी तुम्हारा ब्रांच ही चेंज हो जाता। चलो तुमने अच्छा किया, समझ तुमने रहा। हाँ तुमने अच्छा ओपिनियन दिया। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तो तुम्हारा जर्नी कैसा रहा? तुम पढ़ने में तो अच्छे थे, वो तुम्हारा पॉलिटेक्निक का रैंक समझ में आ गया, तुम्हारा BIT सिंदरी में तुम चलेगा BTEC में, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा रहा पढ़ाई को लेकर। तो तुमने प्रिपरेशन कैसे किया, कौन से ईयर से तुमने स्टार्ट किया, क्या तुमने लिया कोई कोचिंग्स ली कि नहीं ली, या सेल्फ प्रिपरेशन किया, या फिर कहीं से तुमने हेल्प लिया, कोई सजेशन सीनियर्स, तो तुम बता सकते हो अपने बारे में।
जैसे कि सर मैं जब फोर्थ सेमेस्टर में था तब मैंने D2D का काफी सारा वीडियोस वगैरह देखा, और आपका तो काफी सारे वीडियो देखा है सर मैंने सारे। तो थैंक यू यार। उस वक्त ही काफी सारा प्रिपरेशन का आप स्ट्रेटेजी बताते थे कि ये स्टेप से करना है, मैथ्स को कर लो, केमिस्ट्री को इतना कर लो, ये वो। तो वहां से फिर मैंने शुरू किया था, और मेनली मैथ्स का मैंने थोड़ा ही किया था, और मैंने सोचा कि केमिस्ट्री पे थोड़ा फोकस किया जाए ताकि उसमें सॉल्व करने में ज्यादा नहीं रहता है, उसमें कम मार्क्स पे मतलब कम टाइम उसमें बच जाता है सर, जैसा कि हम लोग का D2D का एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है सर। ऑब्वियस बात है, टाइम जी स्ट्रेंथ की एग्जामिनेशन टाइम रहती है, 2 से 2.5 घंटे रहता है, सही है सर, की शायद एग्जाम इजी रहती है रहता अभी नहीं। भी। या जी, और क्वेश्चंस काफी ज्यादा रहते हैं, 150 150 क्वेश्चन, क्वेश्चंस हाँ रहते वन हैं फिफ्टी वो। क्वेश्चन होते। तो जी मैं प्रिपरेशन पे आता हूँ। सिलेबस मेरे ख्याल से वही है ना, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सिलेबस, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के जी जी फर्स्ट सिलेबस जो भी। एंड सेकेंड हाँ मैं एक बार सेमेस्टर फिर से क्लियर कर के। देता हूँ कि भाई डिप्लोमा की ही सिलेबस आती है, कोई 11 12th नहीं पढ़ना, पहले पढ़ना आता था, फिर उन्होंने चेंज कर दिया कि जी इन्होंने जी क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा हो रहता है कि डिप्लोमा में जो में भी डाल फर्स्ट दिया सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आएंगे सिलेबस, सेमेस्टर फिजिक्स सेकेंड केमिस्ट्री, सेमेस्टर हाँ, में और मैथ्स सिर्फ बायोलॉजी वही मैथ्स रहेगा। में और फिजिक्स में वही सिलेबस रहेगा। जी हाँ जी तुम अपना प्रिपरेशन बताओ अब। जी हाँ सर, जैसे फिजिक्स का मैंने जो उसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट था, जो लाइक इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वगैरह, ये सब तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता ही था, मेरा ब्रांच भी था। एंड मैकेनिक्स का पार्ट मैंने उतना थोड़ा स्किप ही किया था, मेरे को उतना पसंद नहीं था। और केमिस्ट्री का पार्ट में भी जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह और जो इनऑर्गेनिक वगैरह का था, तो उसको मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया था NCERT वगैरह से, और जेई मेन्स के थोड़ा कुछ कुछ ईजी क्वेश्चन देख लिए थे, तो मतलब तुमने उससे काफ़ी सब, हेल्प हुआ। हाँ तुमने ओवरऑल मतलब सब जगह जगह से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए, क्योंकि यस ऑब्वियसली बात है, सर मैं भी यही बोलता हूँ कि D2D का यस एग्जाम कोई सर बहुत टफ एग्जाम तो जी है जी नहीं, बेसिक बेसिक टफ नहीं है क्वेश्चंस, यस हाँ सर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। यस अगर मैथ्स भी पढ़ते हो तो यस फॉर्मूला बेस्ड सर आएगा, फिजिक्स भी पढ़ रहे हो तो फॉर्मूला बेस्ड आएगा, और अगर केमिस्ट्री, बहुत लोग केमिस्ट्री स्किप कर देते हैं, मेरे ख्याल से तुमने भी सुना होगा अपने दोस्तों यस से, सर बहुत लोग मैथ्स और फिजिक्स पढ़ के जाते हैं केमिस्ट्री यस के सर बहुत काफी कम, लोग क्योंकि कोई ऐसा कट ऑफ नहीं होता इस ठीक एग्जाम का कि आपको इसको सॉल्व यस करके ही सर आगे बढ़ना है या कट इसको ऑफ नहीं पार है करके, तो सब कोई केमिस्ट्री स्किप कर देते हैं, 2 4 नंबर कहीं से 10 भी। नंबर लाते हैं, बाकी मैथ फिजिक्स में फोकस करते हैं। ये तो मैंने पहली बार या फिर बहुत कम कैंडिडेट सुना है कि तुम मैथ्स को कम पढ़ के फिर केमिस्ट्री पे सबसे ज्यादा फोकस कर दे, केमिस्ट्री क्योंकि पे उस यस कम समय में ज्यादा बन सकता है। ये अच्छा इंटरेस्टिंग था अप्रोच सर तुम्हारा। यस सर यस सर। हालांकि मैथ्स मेरे को मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लग जाता है, मैंने देखा टाइम कम रहेगा इसलिए केमिस्ट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो टाइम बच जाएंगे, बढ़िया वो यार चीज़ ये मैं अप्रोच। मैथ्स में थोड़ा देखा। तो तुमने कोई नोट्स वोट्स बनाया, या फिर जैसे कि जूनियर्स को हेल्प हो जाए, या फिर तुमने बस ऐसे ही उठाया, तुमने कोई सिलेबस पढ़ा, ये पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर तुम्हारा उस वक्त प्रिपरेशन। शॉर्ट नोट्स उस वक्त मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह थोड़ा बनाए थे, काफी तो बढ़िया यार, अगर तुम्हारे पास अभी, प्रॉपर हाँ एकदम अगर थे। अभी भी तुम्हारे पास अवेलेबल हो तो प्लीज हमें दे देना, हम बाकी जूनियर्स को अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि उनको हेल्प हो जाए यार आगे, और जूनियर्स को तो मदद करना ही पड़ेगा ये सब चीजों में लेके। और होप सो तुम्हारे तो बहुत सारे यस सर जूनियर्स अभी भी कॉन्टेक्ट में होंगे जो तुमसे पूछते होंगे जीपी आदित्यपुर को लेके कि सर कैसे यस जाना सर है, या यस सर फिर इस बी आई साल टी भी सिंदरी मैं के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। यस सर इस साल भी हमारे कॉलेज से रैंक 1 आया, 2 आया है। अरे यार देखो यस सर गजब, टॉप 50 यस सर, और भी मेरे ही ब्रांच के थे इलेक्ट्रिकली के। बढ़िया है यार, तब तो बढ़िया है यार, तब तो फिर, तब तो तुम्हारा इंटरव्यू लेना हमारे लिए तो बेहतर हो गया ना, अब तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स, यस सर अब हमें इंटरव्यू लेने का मौका मिल जाएगा, और भी कैंडिडेट्स का मौका मिल यस जाएगा सर हमें भाई मदद करने का, क्योंकि ऑब्वियस बात है हम लोग कोई फीस लेते नहीं है, ना जी ही जी हम लोग काउंसलिंग के चार्जेस लेते, कुछ नहीं नहीं लेते नो भाई, फ्री का है, हमने भी सर किया, क्योंकि मैंने भी देखा है ना, मैं खुद डिप्लोमा जीपी खुटरी से पढ़ा, जी फिर मैंने बीटेक भी यहीं से किया, मेरा भी प्रोडक्शन मिला था उस वक्त बीआईटी सिंधरी में, बट मुझे प्रोडक्शन जाना नहीं था, क्योंकि कोर ब्रांचेस रहने से मुझे ऑप्शन ज्यादा मिलते हैं आगे जाके फ्यूचर में, कि मैं कहीं भी स्विच जी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, तो बस यही था, मैं भी यही समझाता हूँ भाई कोर ब्रांचेस के पीछे लोगे तो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो तुम्हारा क्या राय है इस पे कोर ब्रांचेस को जी लेके, कि कोर ब्रांचेस ही ज्यादा आपको देते हैं? हाँ सर, कोर ब्रांचेज में काफ़ी फायदा है, जैसे आगे आप लोग गेट एग्जाम दे के PSUs वगैरह में जा सकते हैं, फिर गवर्नमेंट का भी बहुत सारे एग्जाम्स निकलते रहते हैं, ESE है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, ये सब काफ़ी टॉप लेवल के एग्जाम हैं। सब लोग अगर IT से करें, IT करेंगे तो कैसे चलेगा कुछ लोगों। तो इसी चीज से तो फिर प्रिपरेशन तुमने बस पढ़ा, फिर तुमने छोटे छोटे नोट्स बनाए और तुमने ऐसे प्रिपरेशन किया, तो होप सो कि यस सर कैंडिडेट्स भी, आप यस हाँ सर कैंडिडेट्स भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे बुक्स उठाए, NCERT से ले सकते हैं, अपने डिप्लोमा वाले बुक्स को फॉलो कर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, और नहीं तो अगर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बनाना चाहे तो जेई मेन्स का कोई बेसिक बेसिक क्वेश्चन बना के अच्छे लेवल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो बहुत कुछ बहुत टफ नहीं है। तो तुमने क्या सोचा आप अपना, अब बीएटी से तुम आगे, ऑब्वियसली बात है कि अब तुम बीटेक के आगे का सोच रहे हो, तो तुमको क्या लगता है बीटेक में आने के बाद मास्टर्स करना ज्यादा बेहतर है अपने
अपने अगर ब्रांच से प्यार है तो मास्टर्स की ओर जाना चाहिए, या फिर गेट देके पीएसयूज में जाना चाहिए, या फिर कोई आईटी कंपनीज के पीछे भागना चाहिए, या फिर कोई और गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन करना चाहिए? क्योंकि लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही रहता है, बीटेक आ गया तो क्या गेट पे देना है, या फिर और भी अदर ऑप्शंस है ऑब्वियसली. क्या मैंने तो इवन ये भी डेटा जानता हूँ कि एमबीए करने जो भी कैंडिडेट जाते हैं मैक्सिमम 85% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं एमबीए करने जो जाते हैं, जो कॉर्पोरेट जॉब्स में बड़े बड़े हाई लेवल के पैकेजेस में रहते हैं. तो तुम्हारा क्या सोचना है इस पे? सर, अब जैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, पर मेरा पर्सपेक्टिव है कि अगर हम ये ब्रांच पढ़ रहे हैं हम लोग तो आगे मास्टर्स में ही जाना चाहिए. मैं खुद उसी को प्रीफर करूँगा. अच्छा, तुम मास्टर्स करना चाहोगे, तो मास्टर्स तो चलो अच्छा बात है भाई. मेरा तो इंजीनियरिंग में प्यार था बट मुझे मजा नहीं आया भाई कि हम मास्टर जाके करें, क्योंकि हम डिप्लोमा भी कर लिए बीटेक वगैरह, तो मुझे था कि भाई जॉब नहीं करना है बट ठीक है मुझे पढ़ना है, बट मैं अब थोड़ा सा फील्ड अलग करने के ऊपर हूँ. जैसे मैं खुद चाहता हूँ कि भाई जैसे सीडीएस ओडीएस एग्जाम्स हो गया, वो सब हो गया, एसएसबी मेरा 7 बार हो जी चुका जी है, 8वां अटेम्प्ट फिर से ऑन द वे है बैंगलोर में इंडियन आर्मी के लिए ऑफिसर्स ग्रेड के लिए. फिर मेरा अगर वहां नहीं हुआ तो मेरा बैकअप प्लान चल रहा है इन्फोसिस के बाद भाई, ज्यादा अगर मुझे नहीं निकला इधर इंडियन आर्मी का तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं जाऊंगा एमबीए करने, आराम से एग्जीक्यूटिव एमबीए कंप्लीट करके, 1 साल का ही एमबीए होगा क्योंकि 3 साल का अगर वर्क एक्स हो जाता है तो 1 साल का ही एमबीए होता है, फिर उसको कंप्लीट करके देन आई गो विद द कॉर्पोरेट जॉब ही भाई. तो ये पैकेजेज ही बढ़ते रहेंगे और क्या ही कर सकते हैं. गवर्नमेंट जॉब की मुझे पर्सनली उतनी कोई बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है, ज्यादा ज्यादा मुझे जो गवर्नमेंट जॉब चाहिए भाई वो इंडियन आर्मी की चाहिए, उससे ज्यादा मुझे कोई और गवर्नमेंट जॉब की भाई लालसा नहीं है. तो बढ़िया है, कोई नहीं, अच्छा लगा यार तुमसे बात करके. अब तुम जाते जाते ये रैप अप हम करना चाहते हो, तुम अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करोगे जो इस बार से स्टार्ट करना चाहते हैं डी2डी काउंसलिंग अगले साल के लिए, और अगर कोई अभी जस्ट घुस रहा है पॉलिटेक्निक में तो तुम उनको क्या सजेस्ट करोगे कब जी से स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन तुम्हारे हिसाब से, और क्या क्या पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए स्टार्टिंग, और कौन से सब्जेक्ट को प्रिपरेशन मतलब प्रेफरेंस देना चाहिए प्रायोरिटी वाइज? जी सर. जैसे कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं तो पहले तो थोड़ा मोड़ा एक्सप्लोर भी कर ले डिप्लोमा वाले, फिर उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के बीच में थोड़ा थोड़ा करके मैथ्स से शुरू कर सकते हैं. बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पीवाईक्यूज वगैरह थोड़ा देख ले कुछ कुछ का, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में अच्छा कर सकते हैं, वो उनको ज्यादा टफ उतना नहीं जैसा लगेगा. कि जैसा कि हम लोग अगर 1-2 घंटा भी अगर रोज कर दें थर्ड सेमेस्टर आते आते जैसे कि ब्रांच पेपर शुरू हो जाता है तो उतना इनफ है. और ज्यादा थोड़ा अगर साथ साथ स्किल भी सीखते रहे अपने अपने ब्रांचेस से रिलेटेड, जैसे सॉफ्टवेयर मैकेनिकल वाले हैं तो अपने सॉलिड वर्क्स कैड वगैरह, और इलेक्ट्रिकल वाले भी अगर ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल सीखते रहे, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अगर थोड़ा भी अगर उसमें करियर बनाना है वीएलएसआई वगैरह में आगे जाके इतना सोचे हैं तो वेरीलॉग वगैरह देख सकते हैं. मतलब तुमने बहुत आगे का पहले से सोच के रखा था, तभी तुमने पहले से ये सब चीज़ों के बारे में जान के रखा, अच्छी बात है यार. और यही है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है डी टू डी के लिए, लाइक 4 सेमेस्टर में आके तुम स्टार्ट कर सकते हो, घंटे घंटे 2-2 घंटे हर डे. और इम्पॉर्टेंट ये कि फाइनल ईयर में अपना सेमेस्टर्स बचाना जरूरी है. डी टू डी भले तुम अगले साल दे सकते हो, सेमेस्टर्स के नंबर्स इंपॉर्टेंट है. कभी कभी ये हो जाता है कि डी टू डी में अच्छे रैंक आके सेमेस्टर्स में बहुत खराब नंबर हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही गिर जाता है. हाँ तो यहाँ तो सेमेस्टर्स भी बचाने उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना डी टू डी है. तो डी टू डी के लिए प्रिपरेशन होप सो 1-2 घंटे में हो जाएगा प्रिपरेशन तुम्हारे हिसाब से. तो यार बड़ा बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, और हम लोग बहुत दिन से हमारा पेंडिंग था ये इंटरव्यू. होप सो और भी बहुत सारे 1-2 कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ मेरा बहुत दिन से चल रहा है, वो भी यहाँ पे है बीआईटी सिंदरी में ही है, टिंकू अब्दुल रहमान. मेरे ख्याल से तुम उनका नाम सुने होगे या फिर तुम्हारे कोई रहे होंगे यस दोस्त. सर, वो सीनियर हाँ सीनियर है, तो सीनियर है वहाँ उसके साथ जी इंटरव्यू बहुत दिन से पेंडिंग है. 22 पास आउट है शायद, वो 2022 ज्वाइन ही है. जी हाँ तो उनके साथ इंटरव्यू जी बहुत दिन से पेंडिंग है, तब से कब से टलाया जा रहा है कि आज रिकॉर्डिंग हो जाएगा कल हो जाएगा, ऐसे करते करते तुम्हारा पहले हो गया. चलो कोई बात नहीं, जी तुम आए पहले, उसके बाद टिंकू के साथ कर लेंगे, और तुम्हारे जूनियर्स के साथ प्लीज अरेंज करो, और हो सके तो तुम अपने बैचमेट्स के साथ करना चाहो तो प्लीज करो, ठीक है, ताकि हम लोग इस तरह यस से सर और भी सर जूनियर्स की कांटेक्ट मदद करते कर हैं. सकें. हाँ प्लीज तुम कॉन्टेक्ट सेट करो और देखते हैं फिर हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं. तो मिलकर अच्छा लगा, और मिलते हैं फिर, और तुम जरूर तुम्हारे वीडियो को देख के बड़ा मजा आएगा, और होप सो तुम्हारे वीडियो देख के बहुत सारे जूनियर्स मोटिवेट हो और फिर से आगे आए इस तरह के इंटरव्यू यस वीडियोस के सर लिए. सो टिल देन, बाय बाय, बाय तारिक. यस सर, बाय.